हेलो फ्रेंड्स, ट्रैवल थ्री इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मुकेश कुमार। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था हम जयपुर आए हुए हैं, तो अब हम होटल से हवा महल के लिए निकलेंगे। हमारे होटल से हवा महल की दूरी करीबन 3 से 4 किलोमीटर दिखा रहा है गूगल मैप पर, और अभी हमने ई रिक्शा कर लिया है जिससे कि बार बार पार्किंग ना लगानी पड़े। दोस्तों, फ्रंट पे ही हवा महल जो है ना बहुत ही सुंदर लगता है और इस तरीके से दिखता है, पर यहाँ से एंट्री नहीं है। यहाँ से आप पिक वगैरह खींच सकते हैं, पर एंट्री थोड़ा आगे जाके होती है। ये एंट्री गेट है, यहाँ से हमें एंट्री लेनी है और अंदर चलना है। अंदर जाकर ही टिकट काउंटर है, वहाँ से टिकट लेनी है। 50 रुपये पर हेड टिकट है और इसका टाइमिंग सुबह 9 से लेकर शाम 5 साढ़े 5 तक ये ओपन रहता है। दोस्तों, ये राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक राजसी महल है, हवा महल। इसको महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में बनवाया था और इसे किसी राजमुकुट की तरह लालचंद उस्ता द्वारा डिजाइन किया गया था, और जिससे कि जो बाहर से ना बिल्कुल एक राजमुकुट की तरह दिखे और दूर से ना मधुमक्खियों के छत्ते की तरह दिखाई देता है। ये टिकट काउंटर है, यहाँ से हम टिकट लेंगे और फिर अंदर की तरफ चलेंगे। दोस्तों, अगर वीकेंड्स पे आप आते हैं तो आपको काफ़ी रश मिलेगा, और अगर वीकडेज में आते हैं तो रश थोड़ा कम मिलेगा। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। हमने एंट्री कर ली है, पहले गेट के अंदर से इस तरीके का व्यू दिखाई देता है और बाहर से ये मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई देता है। ये 5 मंजिला इमारत है और आगे से करीबन ऊपर से केवल 1.5 फुट चौड़ी है, बाहर से मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई देती है। अब हम अंदर वाले गेट में आ गए हैं और यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा फ़ोटो शूट और वीडियो शूट करते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है ना अंदर का जो व्यू है काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। और इसमें हवा महल में जो है ना 953 छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं जिन्हें झरोका कहते हैं। यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है और पूरा रास्ता ना पतला सा इसी तरीके से बनाया गया है जिससे कि हम ऊपर तक जा सकते हैं। पूरा 5 मंजिला इमारत है और इसी तरह से आगे ऊपर जाने के लिए रास्ते बनाए गए हैं। अंदर यहाँ कठपुतलियों का डांस वगैरह चलता है, यहाँ कठपुतलियों का जो है ना प्रोग्राम ये यहाँ दिखाया जाता है। और हम अंदर से थोड़ा सा बाहर की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ये ऊपर की इमारत है और ऊपर से जो ये खिड़कियाँ बनाई गई ना, यहाँ से जो है ना राजघराने की महिलाएं देखा करती थी बाहर, और बाहर की जो गतिविधियाँ हैं ना उस पर नज़र रखा करती थी, इसीलिए इसे इस तरीके से बनाया गया, जालीदार बनाया गया, इन्हें झरोका बोलते हैं। बाहर का पूरा व्यू यहाँ से क्लियर नज़र आता है और इनको जालीदार इसीलिए बनाया गया था, दूसरा तो क्योंकि गर्मियों में ना जो इस यहाँ से इतना अच्छा वेंटिलेशन बन जाता था कि पूरे महल में बहुत ही अच्छी हवा आती थी और बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती थी, इसीलिए इसे हवा महल कहा गया है। और यहीं से बाहर गलियारों में होने वाली समारोह और गतिविधियों पर नज़र भी रखा करती थी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी यहाँ से वो देखा करती थी, इसीलिए यहाँ बनाया गया था। यह महल चूने, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित है।
और यह महल जयपुर के जो बिल्कुल सेंटर में स्थित है, और ये जो बिजनेस सेंटर है ना इसको बोला जाता है, और मुख्य मार्ग पर ये स्थित है। और इसी तरह से ना ऊपर जाने का भी रास्ता है, ऊपर से लोग सेल्फी वगैरह खींचते हैं, और जो पांचवी इमारत है ना केवल 1.5 फुट चौड़ी है, वहाँ से लोग देखते हैं। और बीच में जो शीशे लगाए गए हैं ना ये रंगीन कलर के, ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। दोपहर में जब धूप पड़ती है ना तो ये अपने आप चमकते हैं, बिना किसी लाइटिंग के रोशनी से, नेचुरल रोशनी से अपने आप चमकते हैं और इस तरीके से रंगीन दिखाई देते हैं, तो ये बहुत सुंदर लगते हैं। और पूरा महल एक मुकुट की तरह प्रकट होता है और काफ़ी अच्छा मतलब दिखाई देता है। जगह जगह जालीदार खिड़कियां मिलेंगी और काफ़ी अच्छा लगता है ये। और सुबह 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 जब सूर्य उदय होता है, जब सूर्य की रोशनी इस पर पड़ती है ना, तो उस टाइम पर इसको अगर बाहर से देखें तो एक बहुत ही सुंदर एहसास लगता है और बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। इसीलिए इसे इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि जब लाइटिंग इस पर पड़ती है तो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है ये महल। और जब आप अगर रात की तरफ जाएंगे तो रात को ना इसमें लाइटिंग लगी हुई है, तो इस अगर मार्ग से निकलते हैं ना तो जो मेन मार्ग पर जो पड़ता है, इस जो फ्रंट वाला जो इसका पोर्शन है बहुत ही सुंदर दिखता है, तो रात को जो इसका व्यू ज़रूर से लें। अब हम नीचे आ गए हैं और नीचे आते ही और ये सामने ना एक कैंटीन दिखाई दे रही है, छोटी सी कैंटीन भी है जहाँ से आप चिप्स, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, पानी वगैरह और कॉफ़ी ले सकते हैं। और हम एक अंदर से इसका डेमो रूम बनाया गया है, जहाँ पर ना पूरा ना डेमो दिखाया गया है इसका, मतलब पूरा सा मॉडल है हवा महल का, किस तरीके से इसकी डिज़ाइन है, कहाँ तक फैला हुआ है, पूरी इसकी पूरा इसका मॉडल बनाया गया है। और साथ ही में यहाँ पर राजा सवाई प्रताप सिंह की प्रतिमा है। जयपुर का मोस्टली जो सारा डेवलपमेंट है ना, आखिरी शासन इनका महाराजा सवाई प्रताप सिंह का चला था, और सारा जो डेवलपमेंट है महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने ही किया है। अब हम बाहर की ओर निकल रहे हैं, एग्जिट की ओर। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हम आपके लिए मस्त मस्त वीडियो बनाते रहेंगे। और आगे की जो वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो सिटी पैलेस पर होगी, वो हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।